नमस्कार, रीनास फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम मोमोज बनाने जा रहे हैं, आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने इस बाउल से एक कटोरी आटा और एक कटोरी मैंने मैदा लिया है। आप चाहे तो सिर्फ आटा से या फिर मैदा से कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा इसको मिला लेंगे और इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसको गूंधेंगे। इतना गूंदने के लिए मेरे को 200 ml वाटर लगा है। इसका डो सॉफ्ट रखेंगे चपाती जैसा। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे या कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें तेल डालेंगे, लगभग 1.5 टेबल स्पून तेल डालेंगे। इसमें चॉप्ड 1 टीस्पून गार्लिक डाल देंगे, 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर डालेंगे और एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं भूनना है। यदि आपको भूनने का नहीं मन कर रहा हो तो जैसे मैंने चाइनीज़ पराठा में सब्जी को स्क्यूज किया था कपड़े से, आप वो भी काम कर सकते हैं। उसके लिए मेरा वो लिंक देख लें। इसमें फाइनली चॉप्ड एक कैरेट डालेंगे, 8-10 फ्रेंच बीन्स कटा हुआ डालेंगे। इसको चलाएंगे और जो भी काम करना है उसे हाई फ्लेम में करना है। इसे खूब नहीं भूनना है। इसमें कैबेज डालेंगे फाइनली चॉप्ड। इसको थोड़ा भूनेंगे। कैबेज के साथ साथ इसमें एक कैप्सिकम डाल देंगे कटा हुआ। आप सब्जी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, या कोई जैसे मशरूम है तो आप ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इसमें चॉप्ड ग्रीन चिली डालेंगे। मैंने बीज निकाल लिया है क्योंकि बहुत मिर्च तीखा है। और मैंने सोया चंक्स को बॉईल करके उसको मिक्सी में एक बार चला लिया है, वो डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अच्छा लगता है, न्यूट्रिशियस बना के आप खाएं। अब इसको थोड़ा भून लेंगे। इसमें 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। पहले मैंने डाला था छौंक में, अब इसमें फिर से डाल देंगे क्योंकि गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। रेड चिली पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अब क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून पनीर है वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे कटा हुआ। अब गैस ऑफ कर देंगे। हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। आटा को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। हमें बड़े बॉल नहीं बनाने हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इसको पूड़ी की तरह बेलना है।
हमें किनारे थोड़ा पतला करना है और बीच वाला थोड़ा मोटा, ज़्यादा हम पतला नहीं बनाएंगे, इस तरह से बना लेंगे। अब इसमें स्टफिंग भरेंगे, इसमें एक 1 स्पून डालेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे, ये बहुत सारे शेप में हम बना सकते हैं, ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको पानी से चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इधर साइड वाला एंड ले करके इसको दबा देंगे, ऐसे बना करके हम रखेंगे। एक और भर के दिखा रही हूँ, 1 स्पून लेना है इसमें, ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालेंगे। अब इसको साइड से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। इसी तरह के इधर साइड वाले भी कर लेंगे। अब इसको चिपका देंगे, इस तरह से बन के हमारा तैयार हो गया। ऐसे ही सारे बना लेंगे। एक मैंने कढ़ाई लिया है, उसमें पानी डाला है। अब एक छलनी लेंगे, छलनी में मैंने ऑयल लगा दिया, ग्रीस कर दिया है। अब जितने मोमोज मैंने बनाया है उसको रख देंगे। थोड़े गैप में सब मोमोज को रखेंगे। अब इसको कवर कर देंगे, इसको मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो गया है, अब इसे ढककर हटा देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। स्टीम मोमोज बनके तैयार हो गया है। आप इसे सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम कोथे मोमोज बनाएंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे, इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और इसको ग्रीज कर देंगे एक मोमो से। अब इस सारे मोमोज जो हैं इसमें डाल देंगे। अब इसको कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। इसका लीड हटा देंगे, इसका बॉटम साइड कुक हो गया है, इसको टर्न कर लेंगे। इसको 30 सेकेंड के लिए कवर करेंगे। इसमें लगभग 111 वाटर डालेंगे और इसको कवर कर देंगे, क्योंकि हमें स्टीम में भी इसको पकाना है। लीड हटा देंगे और सारे कोथे मोमोज को प्लेट में निकाल लेंगे। यदि ये चिपकने लगे तो 1 से 2 ड्रॉप पानी डाल दें, उसके बाद तब इसको निकालें। कोथे मोमोज बनके तैयार हो गया है। आप इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मोमोज के लिए चटनी बनाएंगे। इसके लिए पैन में 3 टेबल स्पून तिल लेंगे, इसको रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्टेड हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। इसमें उसी पैन में टमाटर डाल देंगे, कटे हुए टमाटर, 1 प्याज, अपने टेस्ट के हिसाब से 2-3 मिर्च, 6-7 गार्लिक और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे, हल्का सा इसे कुक करेंगे। टमाटर हल्का सा पका है, बस गैस ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसकी चटनी बना लेंगे। अब जार में डाल करके इसको हम पीस लेंगे। इसमें लेमन जूस डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे,
थोड़े से ब्लैक पेपर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। चटनी बनके तैयार हो गई है, आप इसे मोमोज के साथ सर्व करें। तो यह था मोमोज बनाने का आसान तरीका, आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रीनाज फूड कॉर्नर में कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।